आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लाल टेन के 650वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। माया नगरी, देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी मुंबई कहलाता है। मुंबई रो पहले पर्दे की एक दुनिया है, बॉलीवुड यहाँ है और गगनचुंबी इमारतों का शहर इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको हम आज मुंबई की सैर करा रहे हैं। मुंबई मुंबा देवी के कारण इसका नाम मुंबई पड़ा, वैसे पहले इसका नाम बम्बई हुआ करता था। लिमटी की लालटेन के 650वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। गगनचुंबी इमारतों को अगर आप देखेंगे और ऊपर से अगर आप गगनचुंबी इमारत के ऊपर अगर आप खड़े होते हैं और ऊपर से देखते हैं तो आपको वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारा ही देखने को मिलता है। आज हम आपको लेकर आए हैं सेनापति बापट मार्ग, जो लोअर परेल में स्थित है, यहाँ के एसिलो रूफटॉप बार में। रूफटॉप इसे इसलिए कहा जाता है कि सबसे ऊपर है। वैसे तो 38 माले की ये लिफ्ट 38वें माले तक जाती है, उसके बाद दो माले और ऊपर चढ़ेंगे आप तो ये देखिए मैनहट्टन जेनिथ एसिलो रूफटॉप बार 38 लिखा हुआ है। 38 तक ये लिफ्ट जाएगी और 38 के बाद दो माला और आपको सीढ़ियों से चढ़ना होगा, तब आप 40वें माले पर यहाँ ऊपर पहुँचेंगे और 40वें माले के ऊपर से मुंबई का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। कितना सुंदर नज़ारा मुंबई का यहाँ दिखाई दे रहा है। देश की आर्थिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता है मुंबई को। यहाँ रात के समय रोशनी देखते ही बनती है और सड़कों पर रेंगती गाड़ियाँ आपको ऊपर से जुगनू के मानिंद टिमटिमाती हुई दिखाई देंगी। वास्तव में बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ दिखाई देता है। बिल्डिंग्स, कंक्रीट जंगल अगर आपको देखना है तो आप मुंबई में देख सकते हैं और मुंबई में लगातार ही ये जहाँ हम खड़े हुए हैं उससे काफ़ी ऊपर एक बिल्डिंग और दिखाई दे रही है। 40वें माले से हम आपको दिखा रहे हैं, 38 माले तक लिफ्ट के जरिए आप जाते हैं, दो माले आपको दो मंजिल आपको सीढ़ियों से चढ़ना होता है और 40 मंजिल से 40वीं मंजिल के ऊपर से आप यहाँ अगर नीचे देखेंगे ये देखिए कितना सुंदर झूमर यहाँ इस बिल्डिंग में लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो लाइटिंग्स की गई हैं, साज सज्जा वाकई बहुत ही सुंदर की गई है और ये रूफटॉप बार है। ऊपर देखिए पूरा खुला हुआ, कांच भी ऊपर नहीं लगे हुए हैं, बादल आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बारिश के समय बीच में इसके तिरपाल जैसी कुछ व्यवस्था है जिसे खींच दिया जाता है और चांद यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। 40 मंजिल अर्थात लगभग 450 फीट ऊपर आप यहां पर हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप यहां पर जाएं तो मदिरा पान ही करें, यहां आप सॉफ्ट ड्रिंक भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर मुंबई आप जाते हैं तो मुंबई में देखने लायक जो चीज़ें हैं उन देखने लायक चीज़ों में एक एसिलो रूफटॉप बार भी उसमें से एक है और चांद कितना सुंदर यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। चांद हम आपको दिखा रहे हैं। यद्यपि ये एसिलो रूफटॉप बार बहुत इकोनॉमिक तो नहीं है, आप अगर यहाँ जाएंगे तो आम होटल से लगभग 10 से 12 गुना ज़्यादा यहाँ पर इसकी कीमतें हैं और यहाँ पर आपको सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ दिख जाते हैं। जो रूपहले पर्दे के अदाकार भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। रूफटॉप एसिलो बार एंड रेस्टोरेंट
ये इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसको दिखाने के पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि हम जो माया नगरी कहलाती है मुंबई, मुंबई का जीवन कैसा है, मुंबई में किस तरह से लोग यहाँ पर जीवन का आनंद लेते हैं, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए ऊपर से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 40 मंजिल के ऊपर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपको हरे रंग का दिख रहा है वो हाजी अली की दरगाह सामने दिख रही होगी। अभी हम और जूम करके उसको दिखाएंगे। और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, बहुत ज़मीन के नीचे से भी मेट्रो जाती है, ज़मीन के नीचे से भी सड़कें यहाँ से होकर गुजरती हैं। हम आपको आगे लिमटी के लालटेन के दीगर एपिसोड में भी दिखाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं ये नीचे बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, ये भी हम आपको भी दिखाएंगे। ये सड़कों का यहाँ पर जाल आपको दिख रहा होगा, ये फ्लाईओवर के जरिए ऊपर से लोग, अभी ये कंस्ट्रक्शन इसका जारी है और बारिश के पहले संभवतः इसे खोला जा सकता है। मुंबई में जाम की समस्या से निपटने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए गए हैं मुंबई के प्रशासन के द्वारा। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है मुंबई जाने की, मुंबई देखने की, मुंबई के किस तरह से मुंबई में लोग रहते हैं। देखिए नीचे आपको बहुत छोटे छोटे से खिलौने नुमा कार दिखाई दे रही होंगी। ये 40 मंजिल से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे बहुत ही रेंगती हुई आपको कारें दिखाई देंगी। मोटरसाइकिल तो आपको दृष्टव्य नहीं होंगी, विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि आप मोटरसाइकिल को देख पाएँ वास्तव में। ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं ये मोटरसाइकिल, अब जूम करने पर मोटरसाइकिल और कार भी आपको दिखाई दे रही होगी। रात का नज़ारा माया नगरी मुंबई, जहाँ फिल्म सिटी है, देश की में जितने भी मनोरंजन के फिल्में बनती आई हैं वे सब यही बनती आई हैं। ये हम 38वें माले से आपको दिखा रहे हैं। 38वां माले में पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था, बाद में ये रेस्टोरेंट ऊपर दो माले ऊपर, दो मंजिल ऊपर ले जाया गया है। सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था जो अब ऊपर जा चुका है। एक बार फिर हम ऊपर से आपको दिखाते हैं और कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो आप देख सकते होंगे क्रिकेट का खेल यहाँ पर चल रहा है। दो अलग अलग पिच हैं जिसमें क्रिकेट यहाँ पर चल रहा है, फ्लड लाइट में क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसके साथ ये देखिए यहाँ पर ये है हाजी अली की दरगाह। हाजी अली की दरगाह आपको जो हरे रंग का दिख रहा होगा लाइट, वो हाजी अली की दरगाह का हम आपको लाइट दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही मुंबई की किस तरह की दिनचर्या है, मुंबई में लोग किस तरह से रहते हैं, एक बार फिर हम हाजी अली को दरगाह को आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 650वें एपिसोड में आप मुंबई देख रहे हैं। वैसे 50वां एपिसोड जब आया था तब भी हमने आपको मुंबई के दर्शन कराए थे। आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है, आर्थिक रूप से यहाँ पर मुंबई में ऐसा माना जाता है, एक ये धारणा है कि मुंबई सबसे ज़्यादा टैक्स, इनकम टैक्स वसूल के देता है। और ये देखिए यहाँ पर ये बार रेस्टोरेंट एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, फिर हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुंबई रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी, किस कदर रोशनी चकाचौंध दिखाई दे रही होगी। हम आपको बता रहे थे कि ऐसी आम धारणा है कि सबसे ज़्यादा आयकर मुंबई के द्वारा दिया जाता है, आयकर में सबसे ज़्यादा भागीदारी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है उस हिसाब से देश की
जो राजनीतिक राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, मुंबई में उस तरह से खर्च नहीं हो पाता है जितना वो कलेक्शन मुंबई देता है, एक आम धारणा है। ऊपर ग्लास नहीं लगे हुए हैं, कांच नहीं लगे हुए हैं और ऊपर से स्वच्छ हवा आपको आती हुई महसूस यहाँ हो सकती है, चांद भी आपको दिख रहा होगा। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आनंद की अनुभूति यहाँ पर करते हैं, वास्तव में बहुत दिलकश नज़ारा होता है। और ये जो ये कहा जाए कि यहाँ आप जो अनुभूति करते हैं वो शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। 42 माले ऊपर से, 42 मंजिल के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, हाजी अली की दरगाह है, समुद्र के अंदर दिखाई दे रही होगी। ठीक सामने आपको हरे रंग की जो लाइट दिख रही है वो हाजी अली की दरगाह है की दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 650वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।